Press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए फिर से एक बार चोट लगी है। तो जानेंगे क्या ये चोट असली है या फिर से एक ममता बनर्जी का पब्लिक स्टंट है। तो इसी मुद्दे पे बात करेंगी भारत की दो मशहूर और बहादुर महिलाएं, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले होंगी पत्रकार अंजु पंकज जी, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हम सबकी चहेती और भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया अंजू जी आपको बुलाने के लिए। आपके शहर से, आपकी गलियों से मात्र 18-19 घंटे पहले ही मैं आई हूँ पश्चिम बंगाल में, और देखिए वहां पर क्या हो रहा है। पहले तो ये बताइए, ममता बनर्जी को सुना है चोट लग गई है, वो हेलीकॉप्टर में सवार होते गिर गई है, बड़ी तस्वीरें वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, सब ठीक है? हाँ, मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। मैं अभी जस्ट अपने कॉन्फ्रेंस हॉल से निकल रही थी और उसके बाद मैं चेंबर आ रही थी, तो मैंने देखा ब्रेकिंग न्यूज के वो हेलीकॉप्टर पे बैठ करके दुर्गापुर जा रही थी। मतलब देखिए, वीवीआईपी दुर्गापुर, मात्र यहाँ से मेरे ख्याल से सवा घंटे का डिस्टेंस है, क्योंकि उनके पास आगे पीछे तो काफी सिक्योरिटीज भी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी साहिबा को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को ही नहीं बचा पा रही है। वो बंगाल में हमें क्या बचा पाएंगी, और यही रीजन है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बलात्कार होता है। अब आती है बात कि आपको याद होगा कि इससे पहले इलेक्शन में उनका पैर टूट गया था, फिर भी वो फुटबॉल खेली थी और पैर हिला हिला करके चाय भी पीती थी। उसके बाद फिर उनके माथे पे चोट लगा, तो वो पूरा काला सा एक पट्टी और सादा पट्टी, काफी विभिन्न कलर्स के पट्टी लगा करके बड़े से वो इधर उधर घूम रही थी, और उसके बाद अभी हेलीकॉप्टर पर बैठते बैठते उनका पैर स्लिप कर गया। अब कितनी गहरी चोट आई है ये तो मात्र 2-3 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि प्लस्तरा हुआ है, कि पूरा हड्डी ही टूट गई है, कि उसमें आयरन रॉड बैठाना पड़ा है, और कितने दिन उनको व्हील चेयर पर रहना पड़ेगा। क्या ऐसा तो नहीं कि 4 जून तक रहना पड़ेगा? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पता चलने वाली हैं और ब्रेकिंग न्यूज में आने वाला है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ये एक स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि संदेश खाली के न्यूज को दबा करके ममता बनर्जी के चोट लगने की न्यूज को उठाया जाए। तो ये भी मुझे लग रहा है, एक औरत होने के नाते, अगर किसी औरत के साथ बलात्कार होता है, मोलेस्टेशन होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, या ईव टीजिंग होती है, या औरत को चोट लगती है, या औरत को तकलीफ होती है, तो मुझे अंदर से मेरा दिल दुखता है, मेरे आंख में आंसू आ जाता है। आज ममता बनर्जी को हेलीकॉप्टर पे बैठते हुए और गिरते हुए देख करके मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिसक के रोऊं, लेकिन मैं रोई नहीं। मैं रोई इसलिए नहीं कि अब ममता बनर्जी क्या कहेंगी कि हेलीकॉप्टर पर जो लोग बैठा रहे थे वो बीजेपी के थे। अब ये तो कह नहीं पाएंगे। अभी एक चीज में इससे पहले कि भूल जाऊं, आपको याद है कि वो जो घर में गिरी थी तो कहा गया था कि किसी ने धक्का मारा है, एसआईटी का गठन किया गया था, जांच पड़ताल कर रही थी। उस एसआईटी की रिपोर्ट आई क्या सामने अभी तक कि ममता बनर्जी को घर में किसी घोस्ट ने धक्का मारा था, या घर के किसी सदस्य ने मारा था, या बीजेपी का कोई नेता वहां पर घुस गया था? देखिए, ये ऐसा जो इनके सर में चोट आई थी, जो यहाँ से यहाँ तक खून बहाया गया और उसके फोटोग्राफ्स लिए गए सिंपैथी के लिए, उस एसआईटी की रिपोर्ट भी अब तक नहीं आई है। और 2021 में जो उनके पैर टूटे थे वो भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, क्योंकि उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि पीछे से उनको किसी ने खंबे पर धक्का मार दिया। हालांकि आगे जो चाय की दुकान और ग्रोसरी शॉप वाले थे, जो बंगाल के ही थे, ग्रामीण एरिया के थे, उन्होंने कहा सीएम को कौन धक्का मार सकता है, चाहे वो भीड़ में भी है, तो भी सीएम के पास तो जाना भी बहुत मतलब नामुमकिन होता है। तो ये दोनों एसआईटी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। हालांकि मुझे जिज्ञासा है और जनता को भी जिज्ञासा है बंगाल के। अच्छा, आपको भी है अंजू जी? हम सबको जिज्ञासा है कि वो एसआईटी की रिपोर्ट आए, और अगर घर में भारतीय जनता पार्टी एंटर करके उनको धक्का मार दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल नाकाम चीफ मिनिस्टर है, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर वो अपनी हिफाजत नहीं कर पा रही हैं तो फिर महिलाओं की हिफाजत क्या करेंगे। पर मुझे तो अब लग रहा है कि एक नया अभी थोड़ी देर बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा कि पता नहीं किसने उनको धक्का मार दिया, हेलीकॉप्टर में भी कोई साजिश है वगैरह वगैरह, ये होगा। और हो सकता है कि पूरा चुनाव व्हील चेयर पर हमको देखने को भी मिल जाए, ये भी हो सकता है। सिंपैथी वोट तो चाहिए ममता बनर्जी को। और संदेश खाली का रुख करें तो वहां पर तो जिस तरह से नाज़िया जी जखीरा मिला है हथियारों का, उसको तो ममता बनर्जी चाहेंगी कि उस मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए और इसलिए चोट लगना शायद अच्छा हो उनके लिए। नहीं, स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखिएगा तो बात यही है कि एक न्यूज पश्चिम बंगाल के सारे स्टेट बंगाली चैनल से लेकर के नेशनल चैनल तक यही चल रहा है कि शेख शाहजहां सिर्फ बलात्कारी नहीं था बल्कि वो आतंकी और जिहादी भी था, क्योंकि जिस हिसाब से एनफोर्समेंट की टीम जो है और उसके बाद फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास जो सारे डिटेल्स मिले हैं और विदेशी बंदूक मिले हैं, विदेशी बॉम्ब मिले हैं, देसी बॉम्ब मिले हैं। और इससे पहले जो आप अगर 15-18 दिन पहले जाइएगा तो ये भी पता चला था कि वो ड्रग्स और कोकीन का भी धंधा किया करता था। उसके बाद उसका बहुत ही अच्छा एसोसिएट जो है हफीजुर खान, वो भी उसका बहुत क्लोज एसोसिएट है। उसके घर के नीचे से जमीन खोदने से इतनी सारी चीजें मिली हैं। उसके बाद एनएसजी को क्या करना पड़ा है कि रोबोट जो हम फिल्मों में देखते थे वो रोबोट का मतलब ये इस्तेमाल लेना पड़ा है और खोद करके वो रोबोट आइडेंटिफाई करके अलग अलग जगहों से ये हफीजुर खान के घर के अंदर से, उसके पास पड़ोस के अंदर से, जमीन के अंदर से वो रोबोट बैग में करके निकाल करके लेके आ रहा है। तो इस न्यूज को कहीं ना कहीं दबाने के लिए मुख्यमंत्री साहिबा को पैर में चोट लग गई है और वो हेलीकॉप्टर पर गिर गई है धम से। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो वो शेख शाहजहां के इस आतंकी और इस जिहादी एक्टिविटीज को छुपाने के लिए उन्होंने खुद से चोट लगाने की बात कही है, और दूसरा रीजन ये आता है कि अब श्रीमती ममता बनर्जी इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा सीनियर सिटीजन हो चुकी हैं कि उनसे ये प्रचार या कैंपेनिंग हो नहीं पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों सूरतों में अगर उन्होंने कुछ भी किया है तो दोनों सूरतों में उनको रिजाइन करने की इसलिए जरूरत है कि अगर वो खुद को नहीं संभाल पा रही है, या मुख्यमंत्री होकर के वो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर पा रही है, या मुख्यमंत्री होकर के वो अपने आप को सेफ नहीं रख पा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का आदमी या कोई भी आकर के उनको मार पीट देता है, उनका माथा फोड़ देता है, उनका पैर तोड़ देता है, जनता उनका पैर तोड़ देती है और हेलीकॉप्टर वाले उनको धक्का दे देते हैं। तो ऐसे नाकामयाब मुख्यमंत्री हम महिलाओं को कैसे संभालेंगी पश्चिम बंगाल में। अब आती है दूसरी बात कि एक मुख्यमंत्री जिन्होंने संविधान पे हाथ रख करके शपथ लिया और शपथ के दौरान उन्होंने ये कहा कि वो संविधान के हित में काम करेंगी, और वो शेख शाहजहां और हफीजुल खान जैसे आतंकी जिहादी बलात्कारियों को बचाने के लिए एक सिंपैथी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। तो दोनों सूरतों में उनका रेजिग्नेशन तो बनता ही है। पर ये जो हफीजुल्ला है, इसका शाहजहां शेख के साथ क्या लेना देना है, कैसे इनका कनेक्शन है, और क्या ये माना जाए कि संदेश खाली में जो अभी चुनाव होना है, मतदान होना है, उस दिन कोई बड़ा हंगामा करने की फिराक में थे ये लोग? देखिए, ऐसा नहीं है कि बशीरहाट संदेश खाली एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरा जो क्षेत्र है वो बशीरहाट है, और बशीरहाट में मोर देन 70% मुसलमान है, मोर देन 70%। और हम अभी बात अगर तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान नेताओं की कर रहे हैं तो मुझे लगता है एनएसजी को जाना चाहिए थोड़ा तोपसी और कस्बा के जमीन को अगर वो खोदेगा तो वहां से भी बम बारूद असला और विदेशी बंदूकें निकल जाएंगी आराम से। अगर वाकई में ईडी को और भी टीएमसी के मुसलमान नेताओं का चरित्र सामने लेकर के आना है और अपने डिपार्टमेंट का सही से काम करना है तो कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी जाना चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन का भंडार पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि जितने भी वहां पर कंस्ट्रक्शन हुए हैं, जितनी भी बिल्डिंग है, उसमें 80% इलीगल कंस्ट्रक्शन है। कितने मासूमों का गला काट के और गोटियां करके कस्बा और बशीरहाट और हाड़वा और तोपसिया के गटर में और नाले में फेंके गए हैं। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एकदम आराम से हो जाए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजु पंकज जी और नाज़िया खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे इन दोनों ने ना सिर्फ बात की ममता बनर्जी और उनकी चोट के बारे में, बल्कि जो टीएमसी का गुंडा राज है पश्चिम बंगाल में, उसकी भी राज जो है वो उजागर की है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और उस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।